कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-7804-6 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से बचाव के लिए एनएसएस और जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनके निर्देशों का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। फिजिकल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी व्यक्ति से मिनिमम एक मीटर की दूरी से ही जो है खड़े होकर बात करें और कम से कम घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग हैं जो अभी बाहर सेवा दे रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में। सुरक्षित वासियों को से ही चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें। बाकी कोरोना काल लंबे समय तक चल रहा है और उसका बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग। आप सब समस्त सम्मानित जनों से विनम्र आग्रह और अनुरोध करता हूँ कि कोरोना से जो संकट हमारे सामने उत्पन्न हुए हैं उससे बचाव के जो भी सुझाव जिला प्रशासन और हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही है उस समस्त सुझावों का आप पालन करना सुनिश्चित करें और हम सब स्वस्थ रहें। आप भी स्वस्थ रहें, समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सूरजपुर, जय। अभी नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा लोगों को सभी जगह पे मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। साथ में जो भीड़ भाड़ जगह है वहाँ पे फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने को कहा जा रहा है। साथ सैनिटाइजर का उपयोग करने को बोला जा रहा है और यदि सैनिटाइजर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अपने हाथ को साबुन से धोने के लिए हर दो घंटे में बोला जा रहा है। बाहर से यात्रा करके कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको 104 या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी को मोबाइल में जानकारी देने को कहा जा रहा है ताकि उसको हम लोग रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के आधार पर उनको फैसिलिटी पर लें और होम क्वारंटाइन में रख सकें।